मैं सच में माँ बन पाऊंगी बाबा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल तुम माँ बनोगी और जरूर बनोगी। ओ ओ ओ फू ओम वाट सीमा, कैसी है तू? हाँ मैं तो ठीक हूँ। हाँ बोलो। बस मैं थोड़ी परेशान हूँ यार। तुझे तो पता है ना, मेरी शादी को 4-5 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। अच्छा, वो पापा सच में इतने अच्छे हैं? अच्छा ठीक है, तू मुझे ना उसका नंबर सेंड कर दे, मैं उनसे बात कर लूंगी। ठीक है यार, ओके। अरे रोशनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? आपको तो पता है ना, हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। मैं उदास नहीं हूं तो क्या करूं, आप ही बताओ। रोशनी, ये सब ऊपर वाले के हाथ में, शायद उसकी यही मर्जी हो। पता नहीं हम कब माँ बाप बनेंगे और कब हमारी संतान होगी। अब तो ये जिंदगी भी मुझे मौत सी लगती है। रोशनी, क्या नहीं किया हमने, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, हकीम के पास गए, बहुत सारे टेस्ट कराए, मगर कहीं भी कुछ नहीं मिला। अब हम करें तो क्या करें? पता नहीं हम कब माँ बाप बन पाएंगे, ये सब हमारे नसीब में क्यों लिखा है, मैं माँ क्यों नहीं बन सकती? रोशनी, संभालो अपने आप को, सब सही हो जाएगा। हे भगवान, कुछ तो करना मालिक, कब तक इस बिचारी को रुलाता रहेगा? दुनिया भर के ताने सहती है ये, अब इसको भी कोई खुशी दिखा। हेलो बाबा, प्रणाम, मैं रोशनी बोल रही हूँ। रोशनी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। बाबा, मेरी फ्रेंड ने आपका नंबर दिया है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बोलो बच्चा, क्या परेशानी है तुम्हें? बाबा, हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा, अरे तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ईश्वर ने चाहा तो तुम बहुत जल्द माँ बन जाओगी। हाँ हाँ, धन्यवाद बाबा, मैं आपसे कब मिल सकती हूँ बाबा? आप कल आ जाओ, और हाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको रात को आना है। रात में? रात में क्यों बाबा? क्योंकि ये पूजा रात को ही होती है, तभी इस पूजा का फल स्त्री को मिलता है। हाँ ठीक है बाबा, मैं रात में आपके पास आती हूँ।
बाबा से मैं मिलने जाऊंगी तो अमन को नहीं बताऊंगी, नहीं तो वो मुझे जाने नहीं देगा। हाँ यही ठीक रहेगा। रोशनी क्या हुआ? कुछ नहीं, आप बताओ। नहीं, मैं सोचा कि आप परेशान से लग रहे हो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही घूम रही थी। रोशनी मुझे पता है कि मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मगर काम का इतना दिमाग पर प्रेशर है कि मैं अपने ही काम नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आज आप खाना बाहर ही खा लेना। ठीक है कोई बात नहीं, खाना तो हम बाहर ही खा लेंगे, मगर तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं, मेरा सिर में दर्द है, मैंने गोली खाई है अभी। अच्छा अच्छा रोशनी, हाँ मुझे तुमसे एक बात करनी थी। आप आराम कर लेना, और ऑफिस में बहुत काम है तो हो सकता मैं रात में ना आ पाऊँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना, दवाई समय से लेना। ठीक है, फिर मॉर्निंग में आता हूँ मैं। ओके 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 बाय बाय। अब अमन चला गया है, अब मैं बाबा से मिलने जा सकती हूँ। जय हो बाबा की। आओ रोशनी बैठो। बाबा मेरी बात हुई थी आपसे। हमें सब मालूम है रोशनी, 5-6 सालों से तुम्हें संतान का कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए तुम हमारे पास आई हो। जी बाबा। सबका भला होगा इस दुनिया में, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी, ईश्वर का ध्यान लगाना होगा। कर ली आंखें बंद और खो जाइए ईश्वर के ध्यान में। ओम ओम फट ओम ओम। ओम 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 फट। बाबा मुझे चक्कर से आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे अरे रोशनी छोड़ो मुझे। मेरी बात तो सुनो रोशनी। तुम तो ढोंगी बाबा हो। बाबा तुम तो बहुत बड़े ढोंगी हो, एक औरत की इज्जत के साथ खेलना चाहते हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में जाके करूंगी। तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए क्या? छोड़ो मुझे। अरे अरे जा कर दे पुलिस में शिकायत, देख लूंगा पुलिस को भी। आई पुलिस में शिकायत करने वाली। गुप्ता जी मैं इतने दिनों से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा कोई भी चेक बाउंस नहीं हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिएगा। अरे गुप्ता जी आप यकीन तो कीजिएगा। ठीक है। अरे क्या हुआ अमन? फेस क्यों उतरा हुआ है?
वो अमन मुझे माफ कर देना। अरे माफी किस चीज की? वो अमन मुझे माफ कर देना, मैं आपसे बिना पूछे उस ढोंगी बाबा के पास गई थी। रोशनी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम तो संतान का सुख पाने के लिए गई थी। रही उस ढोंगी बाबा की बात, उसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो। ठीक है चलो। ढोंगी बाबा तेरा खेल खत्म। अच्छा तू भोली भाली जनता के साथ जो धोखाधड़ी करता है ना, तेरा खेल खत्म आज। अरे मेरा खेल खत्म नहीं हो सकता, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, समझे? आज तेरा खेल हम खत्म करेंगे। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लो इसे। साले तेरी पहुंच तो मैं अभी देखूंगा। पाले पकड़ ले इसको। चल तू ये सही नहीं कर रहा है मुझे गिरफ्तार करके, इसका तुझे हरजाना भुगतना पड़ेगा, समझे? अरे हरजाना तो तेरा हवालात में भुगतेंगे। चल इंस्पेक्टर मुझे गिरफ्तार मत करो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, समझे? तेरी पहुंच चल हवालात में। अमन चलो ठीक है।